हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज आपको बकेट में तीन इमर्शन रॉड लगी हुई दिख रही हैं। ये तीनों इमर्शन रॉड मैंने अमेजोन से ऑर्डर की हैं, क्योंकि ये तीनों इमर्शन रॉड्स 2000 वॉट में आने वाली इमर्शन रॉड्स हैं। आपने ये वाली इमर्शन रॉड मेरे एक वीडियो में जरूर देखी होगी, जिसका थंबनेल यहां पर आपको दिख रहा है। ये इमर्शन रॉड सबसे पहले मैंने ऑर्डर की थी, 2000 वॉट की ये इमर्शन रॉड है। लेकिन उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूं कि ये इमर्शन रॉड सिर्फ 1200 कुछ वॉट पे चल रही थी। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से एक्सचेंज करके मंगाया है, तो ये पीस रिप्लेस होके आया है हमारे पास। और इसके साथ मैंने दो और इमर्शन रॉड्स ऑर्डर कर ली थी, ताकि जो 2000 वॉट की इमर्शन रॉड्स बिकती हैं अमेजोन के ऊपर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो क्या सही में होती हैं। क्योंकि जब ये 1200 वॉट पे चली तो थोड़ी मन में एक शंका आई, तो मैंने कहा चलो एक दो और खरीद लेते हैं, ताकि अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को 2000 वॉट की एक्चुअल इमर्शन रॉड चाहिए तो उनको मैं बता सकूं कि ये सब लेने में फायदा है या ये बेवकूफ बना रहे हैं हमको। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके बॉक्स दिखा देता हूं। तो डीजी स्मार्ट की ये इमर्शन रॉड है जो हमने पहले भी मंगाई थी, तो ये अब रिप्लेस होके आई है। अब एक मैंने मंगाई है ये मी स्टार वालों की, MI स्टार है ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये वाली इमर्शन रॉड है, ये जो है ये कॉपर में है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, ये इस तरह की दिखती है। और इसके ऊपर यहाँ पर देखो मेंशन्ड है 2000 वॉट, ठीक है। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको जो डीजी स्मार्ट वाली है, पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये पेन से इन्होंने लिखा हुआ है मार्कर से 2000 वॉट, और ये निकल कोटेड है। हालांकि इसकी क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो निकल की बस ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कोई बेटर नहीं बोल सकता मैं इसको। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने मंगाई, फिर ये यूवी वाली है, यूवी बेसिकली ब्रांड है इसका, और ये 1 ईयर वारंटी वगैरह इस पर लिखा हुआ है। इनके प्राइस वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको। और ये वाली वो इमर्शन रॉड है, ये भी कॉपर में है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 वॉट पे टिक मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी ब्रांड्स हैं इनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये 2000 वॉट की इमर्शन रॉड्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इनको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारे एनर्जी मीटर के ऊपर कि क्या ये एक्चुअली 2000 वॉट की हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके इनको ऑन करते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये सारी की सारी इमर्शन रॉड्स वाटर प्रूफ है, शॉक प्रूफ है, बट वॉटेज पूरी लेती है या नहीं ये तो चेक करके पता लगेगा। तार की यहां पर बात करूं तो ये वाली है, ये मी स्टार वाली, तो इसकी तार काफ़ी लंबी है, मतलब 1.5 मीटर 2 मीटर के आसपास तार है। लेकिन इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सॉकेट है ये 6 एम्पेयर का ही दिया है, यानी लाइट का सॉकेट है ये। तो चलिए पहले इसको टेस्ट करते हैं। हालांकि तार की क्वालिटी अच्छी है, तो इसको मैंने यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हैं 230 के आसपास यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये इमर्शन रॉड ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है, और ये 1720 के आसपास लोड ले रही है। ये वाली इमर्शन रॉड है जी, ये वाली, ये इमर्शन रॉड चल रही है, ये देखो ये इमर्शन रॉड वर्किंग में है इस टाइम, 1720 के आसपास लोड ले रही है, वाटरप्रूफ है ये पानी में। इसको मैंने डिप भी कर दिया है, इसकी वाटरप्रूफिंग टेस्ट भी हो जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, आप देखिएगा मीटर के ऊपर, क्योंकि 230 के ऊपर ही हम सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए 230 वोल्टेज मैंने सेट कर ली है। 230 के ऊपर आने के बाद ये जो है इमर्शन रॉड 1770 वॉट ले रही है लगभग। तो 2000 वॉट तो मैं अब इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि 2000 वॉट से काफ़ी पीछे ये चल रही है, लगभग 250 वॉल्ट का यहाँ पर कमी मुझे नज़र आ रही है। बट स्टिल 1500 वॉट से थोड़ा ज़्यादा ले रही है ये, बट 2000 वॉट की नहीं है ये। तो मी स्टार वाले जो हैं ये जो इमर्शन रॉड 2000 वॉट की बोलकर बेच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2000 वॉट पे नहीं चल रही है, जबकि इनपुट सप्लाई पूरी 230 के आसपास हमने सेट कर रखी है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पर हैंग कर देता हूँ और बंद कर लेते हैं इसको। अब आती है बारी ये जो पुरानी मशीन रॉड हमने रिप्लेस कराई थी, ये है डीजी स्मार्ट वालों की। तो इसकी जो तार है ये तो 1 मीटर की है, बहुत छोटी तार है इसकी, और इसका तो वीडियो आपने देखा ही है, इसका प्लग भी 6 एम्पेयर का ही है, पावर वाला नहीं है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो अब आप देखिए इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ऑन करते हैं इसको। तो सप्लाई आप देखिएगा 230 के आसपास है, थोड़ी ज़्यादा ही है 230 से। लेकिन ये इमर्शन रॉड भी, ओहो, ये भी सिर्फ 1280 वॉट ले रही है सिर्फ। तो देखिए डीजी स्मार्ट वाले 2000 वॉट की बोलकर ये इमर्शन रॉड 500 रुपये की बेच रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली 1500 वॉट की भी नहीं है। ये वाली इमर्शन रॉड है, आपको दिखाना चाहूँगा।
ये इमर्शन रॉड है जिसको 2000 वॉट की बोलकर बेचा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1280 वॉट पे चल रही है, जबकि इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा 230 का है, इवन कि उससे भी ज्यादा है। अच्छा, पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था इसका वाटरप्रूफिंग टेस्ट कर देते, तो ये लो इसको मैं अंदर डिप कर देता हूँ तो इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटरप्रूफ तो खैर ये सारी होती ही हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, बट यहाँ पर देखो कंपनी वालों का जो फेक प्रॉमिस है वो साफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये 1280 वॉट पे चल रही है, 1500 वॉट पे भी चल सकती थी, लेकिन ये तो उससे भी अंडररेटेड है। तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहें, ना मैं ऐसे प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूं। हाँ, मैंने ये खरीदे इसलिए हैं ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही जानकारी दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2000 वॉट की इमर्शन रॉड ढूंढते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सोचा कोई बात नहीं, मेरे 1500-2000 रुपए लग जाएंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलेगी। अब आते हैं लास्ट वाली के ऊपर, ये है यूवी वाली, ये वाली है, ये यूवी वाली, और ये इमर्शन रॉड भी आप देखेंगे तो ये भी कॉपर में है, और इसके ऊपर ये टिक मार्क किया हुआ है। अब इस पर भी मुझे डाउट है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। हालांकि लुक की अगर मैं बात करूं तो हैंडल वगैरह सारा ये डीजी स्मार्ट की तरह ही है इसका, बिल्कुल बस कलर का फर्क है। तो चलिए अब इसको भी ऑन करते हैं। हालांकि तार की अगर मैं इसकी बात करूं तो तार इसकी भी लगभग 1 मीटर की है, ज़्यादा बड़ी तार नहीं है, लेकिन तार की क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है। सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी है, एमआई स्टार वाली की, बाकी सब दोनों एवरेज ही हैं। अच्छा, सॉकेट की अगर बात करें तो सॉकेट इसका भी लाइट का ही है, पावर का सॉकेट इसका भी नहीं है यूवी वाली का। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, तो इसको लगा के यहां से ऑन करते हैं। तो ये देखिए 2000 वॉट पूरे ले रही है। तो आप ये देखिए कि मैंने 3 इमर्शन रॉड मंगाई है और थैंक गॉड की एक तो 2000 वॉट की हमें मिल गई है। तो अगर आपको प्रॉपर 2000 वॉट की कोई इमर्शन रॉड चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर 230 के आसपास सप्लाई है, इवन 230 से थोड़ी ज्यादा ही है, और ये इमर्शन रॉड प्रॉपर 2000 वॉट के ऊपर चलती हुई, जैसे गीजर्स वगैरह चलते हैं प्रॉपर वॉटेज के ऊपर, उस तरह से ये पूरे 2000 वॉट ले रही है। और ये वाली इमर्शन रॉड है जो चल रही है, और इसको मैं पानी के अंदर डिप कर रहा हूँ, इसका भी एक वाटर प्रूफिंग टेस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताता हूँ मैं इसके बारे में, ये इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी भी है इमर्शन रॉड, और इसके जो वो कॉपर के नीचे रिंग्स हैं वो भी ज़्यादा है। इन सब में 5 रिंग हैं, उसमें 6 रिंग हैं, और क्योंकि ये 2000 वॉट प्रॉपर ले रही है तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी इन दोनों से ज़्यादा ही होगी। तो ये इमर्शन रॉड जो है ये बेसिकली यूवी कंपनी का कोई इमर्शन रॉड है। मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूँ किसी भी ब्रांड की, ना यूवी की, ना इसकी, ना इसकी। ये मैंने रैंडमली खरीदी है क्योंकि अमेजोन के ऊपर 2000 वॉट लिखकर ये बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को, बट थैंकफुली कि ये यूवी वाली जो है प्रॉपर वॉटेज की हमें मिल गई है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस 2000 वॉट की इमर्शन रॉड को हम टेस्ट करेंगे, इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि कितने देर में कितना पानी गर्म करती है, कैसे चलती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आने वाली वीडियोस के अंदर, और हो सकेगा तो 1500 वॉट और 1000 वॉट के साथ इसको कंपेयर भी करके देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको 2000 वॉट की कोई इमर्शन रॉड लेनी है तो आप ये यूवी वाली जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ इसी का ही लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। अगर आपको 2000 वॉट की कोई इमर्शन रॉड लेनी है, प्रूफ आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार यूं ही बना के रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि बेल आइकन दबा के रखोगे तो सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।